अपनी कुर्सी की पेठी बांध लीजिए। फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ता नजर से सरासर गलत है। फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म का पहला गाना वेशर्म रंग में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ भगवा रंग की बोल ड्रेस में दिखाई दे रही है। इसी बात को लेकर मूवी का विरोध हो रहा है। बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन इस गाने के बाद से ही गुस्साए हुए हैं और इस मूवी को बैन करने की मांग की जा रही है। ये नहीं बल्कि पठान को लेकर शाहरुख खान और दीपिका के खिलाफ अश्लीलता फैलाने को लेकर FIR तक भी दर्ज करवाई गई है। अब तक तो हिंदू संगठन इस मूवी के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम संगठनों ने भी इसके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इसमें इस्लाम के अपमान की बात कही जा रही है और इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या एंगल सामने आया है जिसके बाद मुसलमान भी इसके विरोध में उतर आए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड ने फिल्म पठान और उसके वेशर्म रंग गाने को लेकर नाराजगी जताई है। इसी के साथ बोर्ड ने फिल्म को थिएटरों में नहीं लगाने की मांग की है। बोर्ड के प्रमुख सैयद अनस अली का कहना है कि पठान एक उच्च सम्मानित समुदाय है और इस फिल्म में इस्लाम का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि बोर्ड इस फिल्म के बहिष्कार की मांग करता है। एक बार आप भी सुनिए उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। पठान एक कास्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, बड़े गयूर कौम है पठानों की और बड़े अच्छे उनके खान अब्दुल गफ्फार जो है वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। पठानों की बड़ी तारीख रही है, उन्होंने ऐसे अय्याश नाचने गाने वाले पठान कभी नहीं गुजरे पठान कौम के अंदर। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ता नजर से सरासर गलत है। ये दोहरी पॉलिसी है, इसको निफाक कहते हैं। और हज कमेटी से भी मैं कहूंगा, जो उमरा के लिए भेजते हैं उनसे भी कहूंगा, एमबीसी से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों के भी वहां के वीजा इनको मिलने की कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी मूवियों का, ऐसी फिल्मों का सभी लोग विरोध करें। ये नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी भी फिल्म के विरोध में उतर आई है। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष खुर्रम मियां चिश्ती ने कहा है कि कमेटी के पास देश भर से फोन आ रहे हैं, फिल्म को अश्लीलता दिखाने और धर्म को बदनाम करने वाला बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम धर्म को बदनाम करने की अनुमति किसी को भी नहीं है, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर कोई भी खान हो। पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मजहब इस्लाम के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है, बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम, गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। दरअसल इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि फिल्म के गाने में अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो फिल्म को प्रदेश में रिलीज की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं JNU वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। इसके अलावा अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत महंत परमहंस दास भी शाहरुख खान के खिलाफ भड़कते हुए दिखाई दिए। उन्होंने दर्शकों से पठान मूवी का बहिष्कार करने की अपील की है। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश और जगत गुरु परमहंस से आचार्य
आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूँ, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। यानी कि साफ है कि पठान मूवी बुरी तरह से विवादों में घिर गई है। अब इसके खिलाफ हिंदू ही नहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से बॉयकॉट ट्रेंड के चलते आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई थी, क्या उसी तरह बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान को भी बड़ा नुकसान हो सकता है।